हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स, मध्य प्रदेश के नंबर वन चैनल फॉर डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार 2020 के बारे में। जितने भी पद्म अवार्ड 2020 में दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें, ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बनाया गया है। आप एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। जितने भी आपके संभावित प्रश्न होंगे सभी एग्जाम के लिए, इनमें इस वीडियो में से आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा जाएगा, ये मेरी गारंटी है। दोस्तों आप हमें अगर कहीं फॉलो करना चाहते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहीं अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए है तो आप हमें वहां से फॉलो करके टेलीग्राम से वीडियो की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पद्म भूषण के बारे में। तो पद्म भूषण दोस्तों, ये रिबन है पद्म भूषण का और ये भारत रत्न के बाद दूसरा सबसे बड़ा भारत का पुरस्कार है। वहीं बात करें, दूसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण यानी भारत रत्न, उसके बाद पद्म विभूषण और तीसरा है पद्म भूषण। इसमें पिंक कलर के साथ एक सफेद धारी भी होती है। ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा रत्न है और तीसरा यानी पद्म पुरस्कारों में तीसरा, और वैसे कहे तो चौथा। जो चौथा सबसे बड़ा अवार्ड है वह है पद्मश्री। इसमें पिंक कलर के साथ दो धारियां होती हैं और ऐसा मेडल जो प्राप्तकर्ता होता है उसे दिया जाता है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पद्मश्री के बारे में। तो पद्मश्री की स्थापना 1954 में की गई थी। अब तक कुल 2840 अवार्ड पद्मश्री के दिए गए हैं 2020 तक के लिए। गुलाबी कलर के साथ दो सफेद पट्टी होती है, जैसे मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया है वैसे ही दो सफेद पट्टी होती है। इसका रिबन ऐसा होता है यानी फीता दो पट्टी के साथ होता है। वहीं बात करें अगर कुल अवार्ड 2020 में कितने दिए गए हैं, तो 118 कुल अवार्ड दिए गए हैं 2020 में। ये दोस्तों मैंने आपको इंग्लिश में टाइप करके लिखा है, ये आपको बता दें गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया गया है। अगर कोई गलती होती है तो आप इसे स्वयं सुधार ले। और इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप हमें टेलीग्राम या फेसबुक पर कहीं भी आप हमें फॉलो करके बता सकते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश से चुने गए व्यक्तियों के बारे में। तो लीला जोशी जो रतलाम की हैं, ये पद्मश्री के लिए चुने गए हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम दधीच ये उज्जैन के रहने वाले हैं और इन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है। वहीं इंदौर के नेमिनाथ जैन को पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना गया है और अब्दुल जफ्फार जो भोपाल के रहने वाले हैं इन्हें भी मरणोपरांत मध्य प्रदेश से पद्मश्री के लिए चुना गया है। दोस्तों ये चार नाम आपको याद रखने हैं। अगर आप मध्य प्रदेश का कोई भी एग्जाम देते हैं इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख व्यक्तियों की जिन्हें पद्मश्री दिया गया है। तो उसमें पहला नाम आता है एकता कपूर का, जो एक निर्माता हैं, सास कभी सास भी कभी बहू थी जिसकी निर्माता है वही एकता कपूर हैं, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। सुरेश वाडेकर ये एक गायक है, इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। वशिष्ठ नारायण जो कर्तज्ञ थे इन्हें मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। मुन्ना मास्टर जो मुस्लिम भजन गायक हैं इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है। जगदीश लाल आहूजा जिन्होंने फ्री खाना दिया है इन्हें भी इस कवायद के लिए पद्मश्री दिया गया है। वहीं बात करें अदनान सामी जो पाकिस्तान के एक सिंगर हैं इन्हें भी पद्मश्री दिया गया है और ये बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल पद्मश्री दिया गया है अदनान सामी को। वैसे आपको बताएं दोस्तों अदनान सामी ने भारत की नागरिकता धारण कर ली है। वहीं बात करें अगर नेक्स्ट की तो कंगना रनौत ये अभिनेत्री हैं, इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ये इंग्लिश में दिए गए हैं, आप पढ़ लें दोस्तों, इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इंग्लिश में टाइप किया गया है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। तो पहला क्वेश्चन है किस मध्य प्रदेश वासी को मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अब्दुल जफ्फार। अब्दुल जफ्फार को मरणोपरांत पद्मश्री दिया गया है और ये मध्य प्रदेश के भोपाल के रहने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश के कुल कितने लोगों को इस अवार्ड के लिए चुना गया है। तो इनकी संख्या है कुल चार। कुल चार लोगों को मध्य प्रदेश से इस अवार्ड के लिए चुना गया है यानी पद्मश्री के लिए चुना गया है और यह पूरे भारत में 118 लोगों को पद्मश्री के लिए चुना गया है। नेक्स्ट बात करते हैं किस पाकिस्तानी गायक को पद्मश्री दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अदनान सामी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है अदनान सामी जो पाकिस्तान के गायक रहे हैं इन्हें पद्मश्री के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस महान गणितज्ञ को पद्मश्री दिया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है वशिष्ठ नारायण। वशिष्ठ नारायण को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत। दोस्तों ये बहुत बड़े गणितज्ञ रहे हैं, इन्हें भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस
अभिनेत्री को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है कंगना रनौत। कंगना रनौत को पद्मश्री दिया गया है 2020 में। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें हमने बात की पद्मश्री जिन जिन व्यक्तियों को दिया गया है उनके बारे में। अब बात करते हैं पद्म भूषण 2020 के बारे में, जिन जिन व्यक्तियों को पद्म भूषण दिया गया उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले बात करते हैं पद्म भूषण की स्थापना कब हुई थी। तो 1954 को पद्म भूषण की स्थापना हुई थी। यह इसका जो फीता होता है वह सिर्फ गुलाबी कलर का होता है, इसमें कोई भी धारी या पट्टी नहीं होती है। पहली बार कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। दोस्तों वर्तमान में यानी अभी तक जितने भी व्यक्ति दिए गए हैं पद्म भूषण के लिए उनका उनकी संख्या है 314 है, और 2020 में कुल 7 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अब हम उन 7 लोगों के बारे में जान लेते हैं जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो पहले हैं जॉर्ज फर्नांडिस, इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। अरुण जेटली, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। दोस्तों आपको बता दें अरुण जेटली ये भारत के पूर्व वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ ये मॉरिशस के रहने वाले हैं और इन्हें मरणोपरांत जो है भारत के पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। चौथे हैं दोस्तों एमसी मैरीकॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस बार सिर्फ एक स्पोर्ट खिलाड़ी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वह है एमसी मैरीकॉम, ये मणिपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट है छन्नूलाल मिश्र, ये कला से संबंधित व्यक्ति हैं और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सुषमा स्वराज दोस्तों आपको बता दें ये पूर्व विदेश मंत्री रह चुकी हैं, इन्हें भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है श्री विश्व श्रेष्ठ स्वामी जी, इन्हें भी मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये कर्नाटक के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये 7 नाम आपको याद रखने हैं, इनमें से सबसे इंपोर्टेंट है अनिरुद्ध जगन्नाथ और एमसी मैरीकॉम, इन दोनों को आपको याद रखना है। आपसे एग्जाम से इन दोनों के बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। दोस्तों अब बात करते हैं पद्म भूषण से रिलेटेड जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में। तो पहला क्वेश्चन है निम्न में से किसे मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है होगा ये चारों, इन चारों को जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्व श्रेष्ठ स्वामी, इन चारों जन को मरणोपरांत पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों एकमात्र खिलाड़ी जिन्हें 2020 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है उनका नाम क्या है। तो इसका सही ऑप्शन है एमसी मैरीकॉम। एमसी मैरीकॉम ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस विदेशी को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है अनिरुद्ध जगन्नाथ। दोस्तों ये मॉरिशस के रहने वाले हैं और इन्हें 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जिसमें हमने बात की पद्म भूषण से रिलेटेड। अब बात करते हैं पद्म भूषण की 2020 की। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1954 में पद्म भूषण की स्थापना हुई थी। दोस्तों आपको बता दें जितने भी पद्म अवार्ड हैं उनकी स्थापना 1954 में हुई थी, यानी पद्म भूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, इन तीनों अवार्ड की स्थापना 1954 में हुई थी। अब तक कुल 1254 लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इसका फीता दोस्तों गुलाबी और एक सफेद पट्टी कलर का होता है, ये आपको इंपोर्टेंट है याद रखना है। और 2020 में कुल 16 लोगों को चुना गया है पद्म भूषण के बारे में। चलिए दोस्तों अब चर्चा करते हैं जो 16 लोग हैं उनके बारे में। तो दोस्तों ये लिस्ट है उन 16 लोगों की जिन्हें इस बार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अब बात करते हैं दोस्तों पीडीएफ में तो आपको ये 16 नाम मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ इंपोर्टेंट नाम बताने वाला हूँ जो आपको याद रखने हैं और आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है। जिसमें सबसे पहला नाम है सैयद मुअज्जम अली का, जिन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं। इसलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्हें पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टसिंग लॉन्डिल की, ये लद्दाख के रहने वाले हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना है लद्दाख, तो यहां से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे वो बनेंगे। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन ये भी है कि टसिंग लॉन्डिल जो लद्दाख के रहने वाले हैं इन्हें पद्म भूषण 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बन सकता है प्रोफेसर जगदीश सेठ का, ये साहित्य और शिक्षा में इन्हें अवार्ड दिया गया है और ये यूएसए के रहने वाले हैं, इसलिए ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, आपको इनके बारे में याद रखना है।
तो ये कुछ इंपोर्टेंट नाम मैंने आपको बता दिए हैं, आपको इनके बारे में याद रखना है। दोस्तों पीडीएफ में आपको ये 16 नाम आप मिल जाएंगे। वैसे आपको बता दें दोस्तों 16 नाम याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन सिर्फ एक आना है और 16 नाम आप याद करते रहेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये इंग्लिश में लिस्ट दी गई है जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। इसमें मोहन पर्रिकर हैं जो गोवा के पूर्व सीएम रह चुके हैं, पीवी सिंधु, इसके अलावा जो भी 16 नाम है उनके बारे में बताया गया है। आप इन्हें पढ़कर याद कर सकते हैं जो भी 16 नाम है, और बाकी जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को पद्म भूषण के लिए चुना गया है? जिसका सही ऑप्शन है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को पद्म भूषण के लिए चुना गया है। दोस्तों यहां से आपको इंपोर्टेंट फैक्ट ये याद रखना है, पद्म भूषण के लिए पीवी सिंधु को और पद्म भूषण के लिए एमसी मैरीकॉम को चुना गया है। ये डिफरेंट नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद मुअज्जम अली जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ये किस देश के रहने वाले हैं? जिसका सही ऑप्शन है बांग्लादेश। सैयद मुअज्जम अली ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं और इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश सेठ को हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ये कहाँ के रहने वाले हैं? जिसका सही ऑप्शन है यूएसए। जगदीश सेठ यूएसए के रहने वाले हैं और इन्हें हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुजफ्फर हुसैन बेग जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों जम्मू कश्मीर। ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। दोस्तों ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बनता है क्योंकि हाल ही में यूनियन टेरिटरी बना है ये भी, यहां से भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है, तो इनका नाम याद रखना है मुजफ्फर हुसैन बेग, ये जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की पद्म पुरस्कारों के बारे में जो 2020 में दिए गए हैं। आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे आप लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आपको बता दें जनवरी 2020 में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उनके बारे में आपको जल्दी से जल्दी वीडियो मिलने वाला है, जहां से दोस्तों आपके एग्जाम में कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहां से आपको दोस्तों वीडियो मिलने वाला है। तो इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं उन पर आप हमें सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, हैव अ नाइस डे।